हेलो एवरीवन, स्टडी अपडेट है यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए यूपी पुलिस 49,500 ऑफर वाली भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज और बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों इस वीडियो के अंदर लेकर के आया हूँ। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलना, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे तेज़ मिल सके, क्योंकि हर एक न्यूज आपको सबसे पहले स्टडी अपडेट टाइम चैनल देता है विद ऑथेंटिक एवं सत्य और रियलिटी के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। यूपी पुलिस 49,500 अरफट खुशखबरी, मास को खुशखबरी अभी की। 15/12/2019 से DVPFT शुरू, 18/12/2019 से दौड़ शुरू, जरूर देखो ऑफिशियल नोटिस जारी अभी अभी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलना, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे तेज़ मिल सके, क्योंकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले स्टडी अपडेट टाइम चैनल 49,500 अरफट वाली भर्ती को लाता रहता है। तो दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास वीडियो है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हों सभी पर इसे शेयर कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक नोटिस अभी अभी मुझे मिला है, वायरल हुआ है अति आवश्यक ईमेल फैक्स के द्वारा। इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रणति बोर्ड 19 तुलसी गंगा कम्प्लेक्स मार्ग विधानसभा 18 नवंबर 2019 PRPV 138-2 और यहाँ पर 2/2018 समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश, कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रणति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी PFE के पदों पर सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत दिनांक 12/2019 से 20/12/2019 तक अभिलेखों की समीक्षा एवं सारे मानक परीक्षण एवं दिनांक 18/12/2019 से 26/12/2019 तक शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परीक्षाओं के स्वच्छ एवं सुचारू रूप से संचालन के संबंध में समस्त जनपद के नामित नोडल अधिकारियों एवं परीक्षण दलों के अध्यक्ष सदस्यों के साथ दिनांक 10/12/2019 से 10:30 यानी कि इसमें 10:30 नहीं है, ये 13 है, इसका मतलब 1:30 बजे, ये 13:30 ये मतलब रेलवे का टाइम दिया गया है, 13:30 यानी 1:00 बजकर 1:30 बजे उत्तर प्रदेश डायल 100 नखलऊ अध्यक्ष पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रणति बोर्ड नखलऊ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी कॉन्फ्रेंसिंग किया जाना प्रस्तावित है। उक्त संबंध में आपसे अनुरोध है कि नामित नोडल अधिकारियों एवं परीक्षण दलों के अध्यक्ष सदस्यों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें कि संबंधित जनपद के अंतर्गत प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों के परीक्षण पर आवश्यक सूचनाओं के साथ दिनांक 10/12/2019 को अपराह्न 1:30 उत्तर प्रदेश डायल 100 नखलऊ से आयोजित की जाने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संपर्क स्थापित कर प्रतिभाग कर सुनिश्चित करें। यहाँ पर देख सकते हैं अपर सचिव भर्ती उत्तर प्रदेश नखलऊ प्रणति बोर्ड 18/11/2019 को ये नोटिस वायरल किया गया है, और एक मंडे को बैठक हुई थी, उसमें कहा गया था कि हम रेजेंट को लेकर के, यानी रेजेंट आपका कभी भी जारी हो सकता है। उन्होंने 6 जो आपकी जनपद थी निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं प्रकाशित कार्रवाई हेतु प्रस्तुत, जो उत्तर प्रदेश की 6 पुलिस लाइन थी उनका उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया हुआ था अपनी कल मंडे को मीटिंग में, कि हम इन स्तरों पर यहाँ पर दौड़ कराई जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना नखलऊ, समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलाय उत्तर प्रदेश, समस्त क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, और जो आपकी जो उन्होंने जनपद बनाई बताई थी कि इस जनपद में दौड़ होनी है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद कानपुर नगर, गोरखपुर, नखलऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, सहारनपुर, झांसी और अयोध्या, श्री मोहम्मद नदीम सिद्दीकी प्रोजेक्ट मैनेजर TCS, यहाँ पर लिखा हुआ है श्री मोहम्मद नदीम सिद्दीकी प्रोजेक्ट मैनेजर TCS अवध पार्क विनोदखंड गोमती नगर नखलऊ। तो दोस्तों जो उन्होंने जिक्र किया था, जो हमारे प्रणति बोर्ड यानी नखलऊ भर्ती बोर्ड जो कल मीटिंग हुई थी, RK विश्वकर्मा जो भर्ती बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने जो जोनल यानी जो हमारी जोनल थी सभी के बारे में बताया था कि इन जोनल पर फिजिकल होना है,
तो अब बात कर लेते हैं, ये नोटिस काफ़ी वायरल हुआ। सबसे बड़ी बात है कि ये नोटिस हमारी तरफ से, काफ़ी बच्चे कह रहे होंगे सर ये नोटिस फेक है या गलत है, तो हमारी तरफ से ये 100% सही माना जा रहा है, क्योंकि इसमें समस्त जर्नल जो बात कही गई थी वो लिखा हुआ है, प्लस में ये सिग्नेचर भी बिल्कुल सही हो रहे हैं। क्योंकि अब एक बात अपने दिमाग से खुद सोचिए, क्योंकि भर्ती बोर्ड अब रेजल्ट, उन्होंने बताया कि रेजल्ट कभी भी जारी हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर, और आज भी मीटिंग बुलाई गई है, तो कुछ ना कुछ नया फैसला देखने को मिल जाएगा। अब भर्ती बोर्ड ने यह भी दावा किया है कि दिसंबर से पहले पहले वो दौड़ यहाँ पर करा लेगा, और DVPFT, तो हमने जो बताया था कि DVPFT जो है वो 15/12 से शुरू हो रहे हैं, और यहाँ पर 18/12 से दौड़, यानी 3 दिन का ही गैप दिया जा रहा है, जिसके DVPFT होते जाएंगे उसको दौड़ के लिए यहाँ पर एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, और तीसरे दिन ही उसकी दौड़ करा ली जाएगी। भर्ती प्रक्रिया 13 दिन में यहाँ पर समाप्त, 15/12 से लेकर के 26/12 2019 तक सारी दक्षता परीक्षण करा लिया जाएगा। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य, काफ़ी बच्चे इस चीज़ को देखेंगे, काफ़ी इसमें मिलान करेंगे कि इसमें ये गलत है ये गलत है। तो दोस्तों आखिर ये बात बताइए, ये जो नोटिस दिया है वो ईमेल फैक्स के जरिए भेजा गया है, जो अधिकारी गण हैं उनके लिए अवगत कराया जाएगा कि 10/10/12/2019 को लखनऊ में, यहाँ पर लिखा हो 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग होनी है, ना कि बच्चों के लिए कहा है, ये अधिकारियों के लिए कहा है। उसमें बताया जाएगा कि इस हिसाब से दौड़ करानी है, इतनी व्यवस्था वहाँ पर करनी है। तो यस, ये नोटिस आया हुआ है, ये अधिकारी गण के लिए नोटिस आया गया है, ना कि बच्चों के लिए। और ये भर्ती बोर्ड पर वेबसाइट की, भर्ती बोर्ड जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, यही इस नोटिस की सच्चाई है। क्योंकि अब तक नोटिस वायरल होते रहे, उससे पहले भी एक नोटिस आया हुआ था कि 21 से DVPFT शुरू हो जाएगी, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी संभव नहीं हो पाया। अब मान लीजिए कि ये भी नोटिस फेक हो जाता तो फिर दौड़ क्या 2020 के अंदर भर्ती बोर्ड कराएगा? क्यों भाई, इस बात को खुद ही सोचिए कि 2020 के अंदर दौड़ कराएगा, ऐसा नहीं है। भर्ती बोर्ड ने यहाँ पर दावा किया है कि इसी साल हमें भर्ती प्रक्रिया 2019 तक पूरी करानी है। तो दोस्तों ये नोटिस काफ़ी हद तक 100% सही हो सकता है, दोस्तों ये हमारा मानना है। अगर रेजल्ट बहुत जल्दी भर्ती बोर्ड को 2 से 4 दिन के अंदर नहीं, कुछ ही समय में रेजल्ट जारी हो भी सकता है, कल भी हो जाए परसों भी हो जाए, क्योंकि ये अमर उजाला हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने यहाँ पर ये बात कही है कि रेजल्ट 2 से 3 दिन के अंदर जारी किया जा सकता है। और फिर अब रेजल्ट जारी होने के बाद ये नोटिस, जैसे 41,520 वाली भर्ती के अंदर जारी किया गया था, बताया गया था कि 5/12/2019 से आपके DVPFT शुरू हैं, इसी प्रकार से 49,568 वाली भर्ती के अंदर ये नोटिस आ चुका है, उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि 15/12/2019 से DVPFT शुरू और 18 से आपके रनिंग शुरू। जैसा 41,520 वाले अभ्यर्थियों को पता होगा कि 5/12/2000 को नोटिस आया था, और यानी नोटिस जारी किया गया था उससे पहले, और 7 तारीख से DVPFT यहाँ पर शुरू हो गए इसे 7/12/2018 से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये नोटिस वायरल कर दिया गया, बच्चों को यहाँ पर सचेत कर दिया गया है। वो आपकी मर्जी रही कि इस नोटिस को फेक माने या सही माने, हमारा यहाँ तक मानना है कि जो हम पर विश्वास करते हैं, स्टडी अपबीट चैनल पर सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे ही बनाए रखिए, ये हमारी तरफ से सही है। और आप अपनी रनिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि फिर नहीं समय मिलेगा, क्योंकि 2 से 3 दिन का ही यहाँ पर समय मिल रहा है, खुद ही देख लीजिए, 15/12/2019 से 20/12 यानी 5 दिन के अंदर DVPFT लंबाई और सीना की नापतोल होगी, एवं 18 एवं लिखा हुआ देखिए, एवं 18/12/2019 से 26/12 तक शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। क्योंकि इधर बच्चों का DVPST होता रहेगा और उधर बच्चों की दौड़ होती रहेगी हाल के हाल, यानी जल्दी से जल्दी, यानी 26/12 लिखा हुआ है, तो दिसंबर से पहले पहले इसको कंप्लीट करा लेंगे। और ये 15/12 यहाँ पर क्यों दिया डेट, सबसे बड़े जो रीज़न हमने बताए थे वो यही रीज़न थे कि 15/12/2019 से सभी PSC वाले जो बच्चे हैं उनके यहाँ पर JTC शुरू हो रही है, तो भर्ती बोर्ड ने इसी को मांड दौड़ाते हुए जो हमने बताया है पिछली वीडियो के अंदर, उस वीडियो को जा करके देख लेना, यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दिया है, सोचने वाली बात है, आप खुद ही सोच सकते हैं। यही भर्ती बोर्ड का इशारा यहाँ पर काफ़ी है
कि 15 बार ऐसे शुरू करेंगे, 15 बार ऐसे उनकी DPFT शुरू, और PSC वाला एक भी कैंडिडेट यहाँ शामिल नहीं हो पाएगा। ये क्लियरली बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। रिजल्ट आपका जारी हो सकता है 2 से 4 दिन के अंदर, मगर जो एडमिट कार्ड आएंगे DPFT के, वो यहाँ पर मान लिया जाए कि जब ही होगा कुछ ही क्षण में DPFT एडमिट कार्ड आएंगे, तो 15 बार से वहाँ पर JTC शुरू और आपके DPFT शुरू, तो इस प्रकार ये बच्चे वहाँ पर भाग नहीं ले पाएंगे। यही भर्ती बोर्ड ने अपना दिमाग दौड़ाया, और मैंने भी आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि PSC वाले ही सबसे बड़ा मेन कारण है, वो आप वीडियो कर जा करके देख लेना। स्टडी अपबिटा ने जो भी बात बताई है वो सत्य ही निकली है, खुद ही आप सोच लेना कि 15 बार इन्होंने डेट क्यों दी है। वो आपकी मर्जी, इस नोटिस को फेक माने या गलत माने, स्टडी अपबिटा ने इसे तो सही घोषित कर दिया और सही ही निकलेगा, क्योंकि अब समय नहीं है ज़्यादा। अगर दिसंबर से पहले पहले दौड़ करानी है और जनवरी के फर्स्ट वीक में फाइनल रिजल्ट देना है, तो ये क्लियरली बात यहाँ पर तय है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।